ऐसी सात बीमारियां जिनका पता सांस की बू से चल जाता है। अगर आपकी सांसों में किसी किस्म की बू आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह दांतों और मसूड़ों की खराबी हो, बल्कि ये हमारी कई बीमारियों का पता भी दे सकती हैं। मुंह में बदबू की अहम वजह जुबान पर पाए जाने वाली बैक्टीरिया होते हैं जो टॉन्सिल्स और हलक में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में आने वाली ग़िज़ाओं में प्रोटीन को तोड़ते हैं, लेकिन अगर कोई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद ना हो तो इन बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ज़ियाबीतस, अगर सांस में चीनी लगी छोटी टॉफियों की बू आ रही हो या अमोनिया जैसी चुभती हुई बू हो तो ये टाइप 1 ज़ियाबीतस की वजह हो सकती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस्म में इंसुलिन कम होने से चीनी के अज्जा टूटकर तवानाई नहीं दे पा रहे और वो चर्बी में बदल रहे हैं। इस तरह कैटोन्स नामी अज्जा बनकर सांस में आते रहते हैं। सांस में काफूर की बू का आना, साइनस इन्फेक्शन में सरदर्द, नज़ला और चेहरे के ऊपरी हिस्से पर दबाव होता है, इसका इजहार भी सांस में हो सकता है। अगर सांस में काफूर जैसी बू हो तो ये साइनस इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। अगर नाक बहती हो और हलक में बलगम जमा हो तो ये इन ठोस प्रोटीन को जाहिर करता है जिन्हें बदन तोड़ नहीं पाता और इनमें एक बहुत ख़ास बू होती है। सांस में ख़राब दूध की बू का आना, अगर आपके सांस में ख़राब शुदा दूध की बू आ रही है तो ये बदन में कम कार्बोहाइड्रेट्स की अलामत हो सकती है। जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो तो वो चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और साथ ही प्रोटीन को भी इस्तेमाल करता है। इससे सांसों में फटे या सड़े हुए दूध की बू आती है और इसका आसान हल यही है कि खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए। बदबूदार गोश्त की बू टॉन्सिल्स की अलामत, टॉन्सिल्स इन्फेक्शन या सोजिश से सल्फर पैदा करने वाले बैक्टीरिया इसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं। इससे सांस बहुत बदबूदार हो जाती है और बाज़ुकात ये बू जिगर के कैंसर को भी जाहिर करती है। इसके लिए डॉक्टर से मुआयना कराना बेहतर होता है, लिहाजा ऐसी सूरतेहाल में पानी ज़्यादा पिए, जरासीम कुश महलूल से गरारे करने चाहिए। सुबह उठते ही मुंह की बदबू का मतलब मुंह की खुश्की, अगर नॉर्मल ब्रश करने से मुंह की बदबू दूर नहीं हो रही तो मुंह की खुश्की को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे ज़ीरोस्टोमिया भी कहते हैं। इस मर्ज में मुंह में मुनासिब थूक पैदा नहीं होता। मुंह में थूक की कमी से बैक्टीरिया अपनी तादाद में इजाफा करते रहते हैं, इसलिए अगर मुंह की खुश्की बहुत अरसे तक कायम रहे तो ये दांतों में कीड़े और मसूड़ों के मर्ज की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्यास, होंठों के चटके हुए किनारे, खुश्क गला भी मुंह में पानी की कमी की वजह होता है। सांस में मछली की बू खराब गुर्दों की अलामत, जिस्म से पैदा होने वाले नाइट्रोजन की बू बहुत बुरी होती है। अगर किसी के सांस से मछली की बू आ रही हो तो इसके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। गुर्दे अगर दुरुस्त तौर पर काम नहीं कर रहे तो जिस्म में नाइट्रोजन की कमी होना शुरू हो जाती है। ख़राब मसूड़ों से सांस में फजले की बू, मसूड़ों का इन्फेक्शन बसा औकात इंसानी फजले की बू भी पैदा कर सकता है। इसी तरह मुंह से इंसानी फजले जैसी बू आती है। इसका इलाज ये है कि दांतों को अच्छी तरह साफ किया जाए और ख़ास धागों से फ्लॉसिंग की जाए।